नमस्कार, मैं हूं सलामुद्दीन खान। आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है मुंब्रा के रसीद कंपाउंड में। मेरे पीछे यहां आप देख सकते हैं एक मखदूम नाम की बिल्डिंग है। यहां पर जो है बिल्डिंग से ही सट कर ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है, जिसको इस इमारत में रहने वाली जो महिलाएं हैं इस ट्रांसफार्मर लगाने का पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर न लगाया जाए। ट्रांसफार्मर न लगाने की वजह यह है कि जहाँ पर ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है वहाँ पर जमीन के अंदर जो है सेफ्टी टैंक मौजूद है, इसलिए जो है ट्रांसफार्मर न लगाने दिया जा रहा है। यहाँ पर हमें ट्रांसफार्मर जो है इतनी रात के समय जो है लगाया जा रहा था। हालांकि जो एमएसबी का कॉन्ट्रैक्टर है उसके बीच में और जो महिलाएं हैं उनके बीच में हमें काफी झड़प देखने को मिली। आइए बात करते हैं उन महिलाओं से जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्टर और महिलाओं से झड़प हुई थी। आप बताइए क्या हुआ था वहाँ पर, जो है क्यों आप लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं, क्या हुआ था बताइए। यहाँ पर नीचे हमारा सेफ्टी टैंक है और उस पर वो लोग ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं और बिल्डिंग से एकदम नज़दीक लगा रहे, करीब लगा रहे। यहाँ पर हमारे पीछे साइड में सब नल के पाइप है और टॉयलेट बाथरूम के पाइप है, तो कितना रिस्की है ये एक तरीके से। सब फैमिलीज यहाँ पर रहते हैं तो लोगों को यहाँ से हटा कर लगाना चाहिए, हमारी ये है मांग। अच्छा, लगाने से पहले क्या आप लोगों से बिजली विभाग का कोई अधिकारी आया था क्या पूछने के लिए? नहीं, कोई नहीं आया था यहाँ पर, डायरेक्ट लोगों ने काम शुरू किए और ज्यादातर करके रात में ही काम शुरू करते हैं लोग, 4 बजे तक। यानी दिन में काम नहीं हो रहा है? काम नहीं होता है, रात में ही काम करते हैं। रात में कितने बजे से कितने बजे तक? 12 बजे के बाद काम शुरू करते हैं, 4 बजे तक काम रहता है। तो आपने सुना कि जो है जो ट्रांसफार्मर लगाने का काम किया जा रहा है वो रात के 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक काम किया जा रहा है, यानी कि दिन में इसका काम नहीं हो रहा है। इसके बारे में आपसे राजू भाई से बात हुई थी? हाँ हुई थी। राजू भाई बोले सेफ्टी टैंक की जगह मैं भी क्या इस बात का विरोध कर रहा हूँ, आप लोग भी जाइए क्या बोलते। तो हम लोग भी जाए पर हम लोगों को जाए जरा, हम लोग बराबर जा रहे हैं, लेकिन अब यहाँ के नगर सेवक है राजू, उन्होंने भी जो है इसका विरोध किया है कि जो सेफ्टी टैंक है उस पर जो है ट्रांसफार्मर ना लगाया जाए। आइए हम बात करते हैं, यहाँ पर और एक महिला है जो यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगाने का जो है काम रोका गया है। तो आप बताएं कि जो काम चालू था यहाँ ट्रांसफार्मर लगाने का, आप लोगों ने उसका विरोध किया, आप लोगों से झड़पें भी हुई, तो किसके कहने पर ये जो है काम रोका गया? ये हम लोगों को है ना सीनियर साहब का मुंब्रा पुलिस स्टेशन से फोन आया था। पासलकर सर ने फोन किया था क्या? जी हाँ, उन्होंने फोन किया था। तो फिर उनको हमने बोला कि ये सेफ्टी टैंक के ऊपर लग रहा है, तो उन्होंने बोला सेफ्टी टैंक के ऊपर नहीं लग सकता है, वो काम रोक दिया जाए। उन्होंने काम रुकवा दिया सीनियर साहब ने, और ये बकायदा सेफ्टी टैंक के ऊपर बन रहा है और सेफ्टी बिल्कुल बिल्डिंग से लग के बन रहा है। इसमें हम लोगों की जान को कितना खतरा है, हर चीज को खतरा है हमारे घर में। अरे आप किसी की जान जाती है तो आपका कहने का मतलब उसका जिम्मेदार कौन होगा? हाँ, कौन होगा जिम्मेदार, कौन है उसका जिम्मेदार? इन लोगों को मतलब हमारी जान से खेल रहे हैं ये लोग, एक हमारी जान से खिलवाड़ हो रहा है। जो एमएसबी का काउंटर वो कह रहा है कि आप अधिकारियों से मिलिए, तो क्या आप लोगों ने जो होंडे करी साहब है उनसे आप लोगों की बात हुई? जी उनसे भी बात हो गई, उनके पास हमने एप्लीकेशन भी डाल दिया। उन्होंने बोला है कि मतलब हमारे पास यहाँ जगह के पेपर्स आए थे, बिल्डर आके हमको बता के गया है ये जगह उसकी है तो हम यहाँ पे लगा रहे, और उन्होंने सर्वे नहीं किया है, कोई सर्वे नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, एनओसी नहीं है उनके पास, कुछ भी नहीं है। फिर भी यानी देखकर पेपर देखकर जो है इसको लगाने के लिए पता नहीं ये कैसे मतलब ये काम कैसे हो रहा है, ये हमारी समझ के बाहर है। और यहाँ के ऐसे ऐसे आते हैं शाने बन के, औरतों के ऊपर हाथ उठाते, औरतों के ऊपर अंक के ऊपर आते। किसने हाथ उठाया औरतों के ऊपर? मुन्ना, क्या नाम है उसका? मुन्ना एयरटेल, कौन है वो? बदतमीजी करता है, लेडीज के ऊपर अंक के ऊपर आता है। कौन मुन्ना एयरटेल? कौन किस महिला के साथ बदतमीजी की? मेरे साथ किया था, उसी मैंने रोकने की कोशिश की तो मेरे ऊपर आए, बोले बोलना नहीं बीच में, खबरदार बोलना नहीं ऐसे कर करके बदन के ऊपर आ रहा था, कैसे कैसे करके हम लोग पीछे हट के उसके बाद में बात किया, उसके बावजूद भी हम लोग को बोलने नहीं दिया और हम लोग हप्पी चले गए। उसके बाद में खूब गालियां बक रहा था, यहाँ पे हमारी कांचे फोड़ने को बोल रहा था, हमारी कचरा फेंकने को बोल रहा था घर के अंदर, बोले इधर से कोई झाकेगा तो टकला फोड़ दो, सर फोड़ दो, ऐसा ऐसा बोल रहा था वो। तो आपने सुना कि जो यहाँ महिलाएं हैं लोगों का कहना है कि यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं लगाया दिया जा रहा है, इन लोगों ने जो है एमएसबी के जो एग्जीक्यूटिव है उनसे भी बात की है, हुंडकरी जो है उनसे भी बात की है, और जो काम चालू था यहाँ पर वो जो मुंब्रा पुलिस के सीनियर इंस्पेक्टर किशोर पासलकर है उनके द्वारा फोन करने के बाद जो है इस काम को रोका गया है। ट्रांसफार्मर फिर दोबारा यहाँ रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुंब्रा।